हेलो हाय बाय बाय हमरा मतलब है ओनली हेलो हाय माय सेल्फ मनोरमा रायजादा हमरे जमाने बूटी खून रह चुके हैं हाँ मिस लखनऊ सिक्स्थ रनर अप अरे तो हमरे एक्सपीरियंस की जो है बदवाही कुछ और है तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि फटी साड़ी हमरा मत बोले खुशी की जीत का कारण हम ही तो है हेलो हाय बाय बाय अत हम का कहत रहे कि जैसन ही हम लोगन के एक कांटेस्ट के बारे में पता चला तो फटी सा अब खुशी बिटिया हमरे पास आई अब बोली कि मामी जी आप इतनी बूटी फूल है तो आप काहे नहीं कांटेस्ट में पार्ट लेवत है लेकिन हम जानत रहे कि अगर हम पार्टिसिपेट करबे तो हम ही जीत जाते लेकिन हमरा हारक जो है एकदम बिग है तो हम ही खुशी बिटिया से कहे कि देखो तुम ही पार्ट लो कुराज देखिए अरे नहीं नहीं थैंक्सगिविंग करे की कोनो जरूरत नहीं मनोरमा ओ काहे ना सासू मां प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट तो हम तो आप हम प्रैक्टिस करत रहे अब खुशी बिटिया जीतेगी तो हमका थैंक यू तो बोलेगी ना क्या पर आपको क्यों कम मतबल है तुमरा अरे उका मेकअप से लेके और स्टाइलिंग सब कुछ तो हम ही तो किए रहे और हम उन्हें सही खाने पीने का प्रोत्साहन देने का काम किए रहे तो आपको क्या लागत है खुशी बिटिया जो है आपको थैंक्सगिविंग करेगी और ना ही तो का आपको करेंगी मासी जी नानी जी एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज ओके जस्ट रिलैक्स वो क्या है कि खुशी जी थैंक यू आप लोगों को नहीं खुशी जी थैंक यू मुझे बोलने वाली है या मुझे यू नो मैं इतना कूल हूँ मैं ना हैंडसम हूँ कि स्टेज पे तो मैं ही नजर आऊंगा ना और कौन नजर आएगा एंड आई थिंक आप लोग भूल रहे हैं कि खुशी जी को वॉक करना मैंने ही सिखाया था और स्टेज पे जाके और स्पीच कैसन दोगे खुशी जी मेरी बहुत चक्र गुजार है चक्र गुजार ना ही इनके बबुआ शुक्र गुजार सॉरी अरे आरो बिटवा कहाँ जा रहे हैं आप का हुई गवा जितना चाहे उतना झगड़ लीजिए बट डोंट फॉरगेट हर मॉम अपने बच्चों को थैंक्स बोलती सो आई डोंट केयर हाँ इको बोलत है एटीट्यूड बढ़िया है खुद को क्या समझते हम इतने भी भोले नहीं है अरे खुशी बिटिया आप इतने जल्दी लौट आई आज उन्होंने हमें जल्दी छोड़ दिया कल की तैयारी के लिए वाओ दैट्स ग्रेट तो कल कौन सा राउंड है खुशी जी पति पत्नी का राउंड उन्होंने कहा कि हमें अपने पति के साथ वहां जाना है वो देखेंगे कि हमारा तालमेल आपस में कितना बनता है पर खुशी जी छोटे तो हम जानते थे इसलिए हमने जैसा से बात की फिर उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार को साथ ले आ सकते हैं परिवार के साथ ये तो बहुत ही बढ़िया है देखना आप जरूर जीतेंगी हाँ और वैसे भी उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम इनको कितना प्यार करते हैं और प्यार के मामले में तो ज्यादा परिवार से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता और हम उनको जाके बताएंगे कि हमारी भाभी दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी yeah, that's right, दी and you know what, खुशी जी मैं आऊंगा ना तो आपका ग्लैमर क्वेश्चन बढ़ जाएगा और वो जो आपकी जज है मिस रिया That's right. वो तो मुझे देख के एकदम लट्टू हो जाएंगी लट्टू लट्टू सॉरी लट्टू लट्टू ठीक है तो फिर तेरा कल हम सब मिलके खुशी जी के साथ जाएंगे है ना खुशी जी हम कर लेंगे सामने दुनिया का I'm sure कि तुम कर लोगी but for that you have to learn to say no. नहीं बोलना सीखना पड़ेगा आप सब नहीं आ सकते नहीं आ सकते but why? खुशी तुम इन्हें नहीं लेके जा सकती नहीं
नानी, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया उन्हें भी नहीं? नहीं, इनकी ने तो तुम्हें चलना कैट वॉक करना सिखाया। नहीं। और दी, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी प्रार्थनाएं की, तुम्हें रक्षा धागा बांधा, उन्हें भी नहीं लेके जाओगी? नहीं। और आरव, उसे भी नहीं? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ किसी एक को ले जा सकते हैं, सबको नहीं। आनंद जी हमेशा ऐसा करते, उन्हें बहुत मजा आता है ना हमें ऐसे कश्मकश में देख के। आज पहली बार हमने परिवार वालों को ना बोला, उन्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। लीजिए फल खाइए। खुशी बिटिया, चिंता काहे करते हैं आप? किसी को कोनो बात का बुरा नहीं लगा। हम सब जानत है कि ये प्रतियोगिता है और इनके कोनो नियम होवत है। आप जिन्हें साथ ले जाना चाहती है बेफिक्र होकर ले जाइए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। नानी जी हमारी हर तकलीफ समझती है। अरे हाँ, एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए। कल रात हम एक सपना देखे रहे, हमने देखा कि हम एक साथ, हम दोनों एक मंच पर खड़े हैं और आपको मिसेस इंडिया का ताज पहनाया जा रहा है। हाँ, हम नहीं कहते, ये तो हमरा सपना इशारे में आपको कुछ बतावत है। का पता, शायद देवी मैया की यही मर्जी है कि हम आपके साथ आए। पर नानी जी, बाकी आपकी इच्छा, आप जैसन ठीक समझे। वैसे नानी जी, हाँ, आप इस घर में सबसे बड़ी है तो उस हिसाब से हमें आपको ही ले जाना चाहिए। हाँ, आप हमारे साथ नहीं आ सकती, हमें माफ कर दीजिए नानी जी, हम मजबूर हैं। हे देवी मैया, ये कैसे संकट में डाल दिया आपने हमें। हम ये निर्णय क्यों ले कि हमारे साथ कौन आएगा और कौन नहीं, और ऊपर से अर्णव जी हमारे लिए चीजें और भी मुश्किल बना रहे। देवी मैया, आप उन्हें थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दे दीजिए ना। खुशी जी, आप जानती हैं ना, अगर छोटे के बाद हमसे कोई करीब है तो वो आप ही हैं। आप सिर्फ हमारी भाभी नहीं बल्कि हमारी दोस्त भी है, है ना, आप जानती है ना। और आप ये भी सोचिए कि आपसे आपको सबसे ज्यादा कौन समझता है इस घर में, हम ही समझते हैं, है कि नहीं, है ना। तो फिर सोचिए अगर हम दोनों स्टेज पे साथ में खड़े होंगे तो कितना परफेक्ट होगा। और वैसे तो सब लोग कहते हैं ना कि भाभी और ननंद के बीच में जमती नहीं है, लेकिन हम उनकी गलतफहमी को दूर कर देंगे, उन्हें बता देंगे कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, और हो सकता है कि हमारे प्यार को देखे वो आपको जिता दे। ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, यही ठीक रहेगा, आप हमारे साथ। नहीं आ सकती। पर क्यों खुशी जी? क्योंकि हमारी किस्मत ही खराब है, हमें माफ कर दीजिए दी। खुशी, थे मुझे।
बाय बाय। ईगा, अरे तुम आइज कीलोज काहे कर ली? हम यहाँ तुमरे लिए कैट वॉकिंग करत है जिका देख के तुमरे जजेस की आंखें एकदम चका चौंध हो जाई। अरे एकदम गारंटीड है। मामी जी, हम आपको नहीं ले जा सकते। खुशी जी, खुशी जी, ओके, खुशी जी, हिंदुस्तान हमने सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, परंतु हमारे विचार के अनुसार हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ गुण यहाँ के संयुक्त परिवार है। जी हाँ, जहाँ लोग हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। और हमारा ये भी मानना है कि खुशी जी है जिन्होंने हम सबको एक साथ एक धागे में जोड़ कर रखा है। और हमारा ये भी मानना है खुशी जी कि ये एक भारतीय नारी का प्रतीक है, प्रतीक है। अब खुशी जी, ओके, क्या मैं अब आपके साथ प्रतियोगिता में आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो। और वैसे भी खुशी कहाँ किसी को ना बोलती है। I love you. हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? मेरी तरफ क्यों देख रही हो? आके दो। But I'm impressed. एक दिन में इतने सारे नो, एक बार बना दिया तुमने आज। आपसे ज्यादा कठोर इंसान हमने आज तक नहीं देखा।